आर्थर द किंग, देखो अब यही वो मूवीज हैं जिनके लिए तुम जिंदा रहते हो। ओए होए होए, क्या सिनेमा की प्राप्ति हुई है। इस चैनल पे पहले भी बताया मेरा फेवरेट जॉनर क्या है, रिडेम्पशन, क्या जहाँ पे सारी जिंदगी गिरती है और फिर उठती है, एंड अगर वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड हो। गो क्लाउड्स, इनटू द वाइल्ड कुछ ऐसी मूवीज हैं जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहेंगी, एंड उसी की तरह है आर्थर द किंग। देखो सबसे पहले ये एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, जहाँ पे 400 मील की एक लाइफ चेंजिंग रेस हो रही है डेमोनिकन रिपब्लिक में। डेमोनिक रिपब्लिक माइकल ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं, रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये रेस काफी बड़ी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन माइकल को वहां भी मिलता है एक स्ट्रे डॉग, मतलब ऐसे ही आवारा कुत्ता। इसमें आर्थर बाकी रेसर्स का पीछा करने लग पड़ता है एंड अपेरेंटली एक की जान भी बचाता है, जिसके बाद माइकल उसे अडॉप्ट कर लेता है। ये एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा कूट कूट के इमोशंस भरे हुए हैं। हर कैरेक्टर इतना प्यारा है कि आप पूरी मूवी स्माइल करते करते देखेंगे, शायद थोड़ी आंखें तुम्हारी गीली भी हो जाए। यहाँ पे कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर ये वैसी मूवी है जिसे देख के तुम कहोगे कि आज कुछ देख लिया, आज तो सिनेमा की प्राप्ति हो गई। ये मूवीज मुझे इतनी पसंद है ना। डायरेक्टर ने क्या बढ़िया काम किया, डायरेक्शन अच्छी है, जो शॉट्स लिए गए हैं वो अच्छी है। एक जो चैलेंजिंग एडवेंचर होता है, एक पूरी थ्रिल राइड होती है, उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अब ये हिंदी में स्ट्रीम कर रही है लॉयंस गेट प्ले पर, एंड इसका हिंदी डब भी अच्छा है। वैसे तो इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो, पर हिंदी में भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है, ठीक ठाक है। तो बस यार इतना ही था। मूवी को कितना रेट कर रहा हूं मैं, मूवी को मैं रेट कर रहा हूं सॉलिड 8.5 out of 10। 8/10 पे मेरा HBI का जोक है, इसलिए हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को प्लीज फॉलो कर लेना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या बस इतना ही आज के लिए।